नमस्कार जनप्रवास सुपर फास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीएम कमलनाथ के करीबियों से 281 करोड़ की नकदी बरामद। आयकर विभाग ने विस्तृत एवं सुसंगठित रैकेट का किया भंडाफोड़। मध्य प्रदेश दिल्ली के बीच हुए संदिग्ध भुगतान से जुड़ी डायरी मिली। आईटी ने अपने कब्जे में लिए कंप्यूटर और फाइलें। दिल्ली में एक राजनीतिक दल के मुख्यालय भेजा गया नकदी का एक हिस्सा। राजनीतिक पार्टी और पदाधिकारी का नाम रखा गया गोपनीय। भाजपा का संकल्प पत्र जारी करने के बाद लखनऊ पहुंचे अमित शाह। हवाई अड्डे पर सीएम योगी और महेंद्रनाथ पांडे ने किया स्वागत। एयरपोर्ट से सीधे बीजेपी मुख्यालय पहुंचे अमित शाह। अमित शाह और सीएम योगी की देर रात तक चली बैठक। वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ चुनाव की तैयारियों पर की बातचीत। अवध की 16 लोकसभा सीटों पर हुआ मंथन। बिहार की बेगूसराय लोकसभा सीट पर टिकी लोगों की निगाहें। सीपीआई उम्मीदवार कन्हैया कुमार आज दाखिल करेंगे नामांकन। कन्हैया के नामांकन में लग सकता है कई बॉलीवुड हस्तियों का जमावड़ा। जावेद अख्तर और शबाना आजमी के आने की उम्मीद। धारा 370 पर महबूबा मुफ्ती ने भाजपा सरकार को दी चेतावनी। का 370 खत्म किया तो ना जम्मू कश्मीर रहेगा ना हिंदुस्तान। महबूबा बोली, बारूद के ढेर पर बैठा है जम्मू कश्मीर, जिसकी एक झलक पुलवामा में देख चुके हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का विवादित बयान। कहा मोदी के पालतू कुत्ते हैं केसीआर और जगमोहन रेड्डी। नायडू ने बीजेपी पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को फंड देने का लगाया आरोप। का करोड़ों खर्च करने के बाद भी राज्य में उन्हें नहीं मिलेगा वोट। संकल्प पत्र को राहुल ने बताया बंद कमरे में तैयार घोषणा पत्र। का इसमें झलक रहा है भाजपा का घमंड। आतंकवाद के मुद्दे पर सुषमा स्वराज ने राहुल को घेरा। कहा डर नहीं तो एसपीजी सुरक्षा छोड़ क्यों नहीं देते। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। कहा मोदी को फिर पीएम बनाना चाहती है देश की जनता। गाजियाबाद में भाजपा प्रत्याशी बीके सिंह का विरोध। जनसंपर्क के दौरान किसानों ने दिखाए काले झंडे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा विकास की नहीं विनाश की राजनीति करती है भाजपा। अखिलेश बोले गठबंधन पूरी करेगा नए प्रधानमंत्री की तलाश। उत्तर प्रदेश में नहीं खुलेगा भाजपा का खाता। कबीरनगर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बोले अखिलेश। कहा महापरिवर्तन लाएगा सपा बसपा और रालोद का गठबंधन। दिल्ली में कांग्रेस से दोस्ती के लिए आम आदमी पार्टी ने रखी शर्त। कहा हरियाणा में गठबंधन के बिना दिल्ली में नहीं करेंगे दोस्ती। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने लिया बड़ा फैसला। एक दिन में 400 से ज्यादा लोगों को नहीं कर सकेंगे फॉलो। उद्योगपति को संबोधित करते हुए बोले पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। कहा अवास्तविक बहादुरी भारत का नहीं कर सकती नेतृत्व। बसपा ने 5 और सीटों के लिए घोषित किए उम्मीदवार। सीतापुर से नकुल दुबे को बनाया प्रत्याशी। अयोध्या मामले में केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा निर्मोही अखाड़ा। विवादित भूमि पर पहले फैसला करने का किया अनुरोध। 66 पूर्व नौकरशाहों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लिखी चिट्ठी। चुनाव आयोग के कामकाज पर उठाए सवाल। पत्र में लिखा केंद्र सरकार अपने रुतबे का मनमाने ढंग से कर रही है दुरुपयोग। पीएम मोदी पर बनी बायोपिक और भाजपा के कई नेताओं के आपत्तिजनक भाषणों का भी किया जिक्र। पीएम नरेंद्र मोदी ने बसपा सुप्रीमो पर साधा निशाना। बोले डूबती हुई नैया है मायावती, बचने के लिए ढूंढ रही है मुसलमानों का सहारा। मायावती ने घोषणा पत्र के जरिए मोदी पर बोला हमला। बोली बीजेपी ने घोषणा पत्र नहीं जुमला पत्र तैयार किया। ईवीएम वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिए निर्देश। कहा हर विधानसभा के 5 बूथों पर होगा वीवीपैट का मिलान। पहले हर विधानसभा के लिए 1 वीवीपैट का होता था मिलान। अभिनेता संजय सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले जो राम के नहीं हुए वो आपके क्या होंगे। कोटा में कांग्रेस को मिली संजीवनी। दो बागी नेताओं ने फिर थामा कांग्रेस का हाथ। पैन कार्ड आधार से लिंक कराने की डेडलाइन बढ़ी। अब 30 सितंबर तक आधार को पैन कार्ड से करा सकेंगे लिंक। आधार से पैन कार्ड लिंक नहीं कराया तो होगा बड़ा नुकसान। बिना पैन कार्ड लिंक के नहीं फाइल कर सकेंगे आयकर रिटर्न। टैक्स पेयर्स को 31 जुलाई 2019 तक फाइल करना है रिटर्न। उपेंद्र कुशवाहा का बिहार सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप। कहा आरएलएसपी तोड़ने के लिए नेताओं को दे रहे प्रलोभन। सीबीएसई ने छात्रों के लिए तैयार किए नए दिशा निर्देश। अब स्कूल बदलने से पहले बताना होगा ठोस कारण। पढ़ाई के दौरान स्कूल छोड़ने वाले छात्र पर लागू होंगे नियम। जींद में सपना चौधरी की झलक पाने के लिए उमड़ी भीड़। बेकाबू भीड़ को काबू करने में पुलिस वालों के छूटे पसीने। अध्यादेश लाकर सरकार ने कैश उधार लेन देन पर लगाई पाबंदी। शारदा और सहारा घोटाले के बाद सरकार ने लिया फैसला। सरकार अनरेगुलेटेड डिपॉजिट पर ऑर्डिनेंस से बना चुकी है कानून। सरकार के फैसले से नगद उधार का कारोबार होगा बंद। शामली में प्रियंका गांधी के रोड शो को नहीं मिली इजाजत। शामली के जरिए सहारनपुर और पश्चिमी यूपी को साधने का था प्रयास। शाहजहांपुर में दूल्हा बनकर नामांकन करने पहुंचा प्रत्याशी। बोला राजनीति में दामाद बनकर आया हूं, ऐसे ही करूंगा नामांकन। नामांकन से पहले प्रत्याशी ने शहर में निकाली बारात। ढोल नंगाड़े और बैंडबाजे की धुन पर जमकर किया डांस। शाहजहांपुर के संयुक्त विकास पार्टी के प्रत्याशी हैं बैदराज किशन। बिहार के गांधी मैदान में आज सभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। सभा से पहले रोड शो कर दिखाएंगे यूपीए की ताकत।
नवरत्न फाउंडेशन ने किया महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का आयोजन। प्रशिक्षण पूरा होने पर 24 महिलाओं को बांटे सर्टिफिकेट। कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ने अनुराग ठाकुर को दी नसीहत, कहा बोलने से पहले अपनी चारपाई के नीचे झाड़ू लगाएं। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर किया पलटवार, बोले कांग्रेस राज में बड़ा नशे का कारोबार, गरीब के नाम पर बटोरे वोट। आईपीएल में किंग 11 पंजाब ने दर्ज की अपनी चौथी जीत, रोमांचक मुकाबले में हैदराबाद को 6 विकेट से हराया। टॉस जीतकर पंजाब ने पहले गेंदबाजी का किया फैसला, हैदराबाद ने 4 विकेट पर बनाया 150 रन। जवाब में पंजाब ने एक गेंद रहते ही हासिल किया लक्ष्य, केएल राहुल और मयंक अग्रवाल ने खेली अर्धशतकीय पारियां। आईपीएल में आज चेन्नई और कोलकाता के बीच होगा मुकाबला, एक बार फिर आंद्रे रसेल पर रहेंगी सभी की निगाहें। ऑस्ट्रेलिया के ग्राम रीड होंगे भारतीय हॉकी टीम के नए चीफ कोच, हॉकी विश्व कप क्वार्टर फाइनल में हार के बाद से खाली था पद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए जनप्रभा सुपरफास्ट, नमस्कार।